नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने SHM के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में बात की है। X और T के बीच क्या रिलेशन है, V और T के बीच क्या रिलेशन है, A एक्सेलरेशन और टाइम के बीच क्या रिलेशन है, और किस तरीके की अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। इस वीडियो में हम उन टॉपिक से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में बात करते हैं। और आपको लगेगा अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देख पाते हैं, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको खुद को ये प्रूव करके बताते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पहले एक उर्दू स्प्रिंग, ऐसे लटकी हुई स्प्रिंग अपने एक छोर से लटकी हुई है जिसके निचले छोर पर 1 किलो का द्रव्यमान है। ध्यान से देखिए, और ये ऐसे ऊर्ध्व तल में दोलित हो रही है, ओसिलेट हो रही है, कंपन कर रही है, और दोलन का आयाम एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है। ये कह रहा है कि टी बराबर 0 समय पर अगर इस स्प्रिंग का विस्थापन एक्स 0.1/√2 है, आयाम बटे √2 है, स्प्रिंग का बल नियतांक के 10 न्यूटन/मीटर और घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध ज्ञात करो। 4 ऑप्शन आपके सामने। इस सिचुएशन में विस्थापन और टाइम के बीच के लिए इक्वेशन ये है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। पहले आप ये देखिए, ये फाइ क्या है, इनिशियल फेज प्रारंभ में कहाँ है, और प्रारंभ का मतलब टी बराबर 0 पर, और टी बराबर 0 पर कहाँ है, a बटे √2। a की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो 0.1/√2 पर है। पहले आप फाइ की वैल्यू निकालिए, देखिए ये मेन पोजीशन है, यहाँ से a/√2 डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है टी बराबर 0 समय पर, और फिर वो SHM स्टार्ट कर रहा है। इसके लिए फाई की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, और मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर है टी बराबर 0 समय पर, पहले से ही इसने कोई एंगल बना रखा थीटा, और इसकी पोजीशन एक्स अक्ष पर इतनी है, तो एक्स अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी है, a/√2। तो ये जो वैल्यू है ये a/√2 है, और याद रखो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एक तरीका तो ये है, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, मैंने आपको बता भी रखा है, तो क्या हो जाएगा a साइन थीटा, ये a है, ये इसका साइन थीटा किसके बराबर है, a/√2 के, तो ये कट जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 किसकी होती है, 45 की। या एक और तरीका है, इस कंडीशन में जो कोण ये है वही कोण ये होगा थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या है, लंब, लंब क्या है, a/√2, तो साइन थीटा बराबर a/√2/a, क्योंकि कर्ण क्या है, a। इस ट्रायंगल में जो ऐसा दिख रहा है, इसमें ये लंब a/√2 है, और ये कर्ण क्या है, a है, ये थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा लंब बटे कर्ण, a से a कट गया, साइन थीटा बराबर 1/√2, और 1/√2 किस थीटा की वैल्यू है, 45, और 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/4 रेडियन। कहने का मतलब ये π/4 रेडियन है फाई का मान, इनिशियल फेज π/4 या 45 डिग्री है, कण प्रारंभ में ही माध्य अवस्था से 45 डिग्री के कोण तक गति कर चुका है, या π/4 रेडियन गति कर चुका है। इसको ऐसे भी बता रखा है, देखो ये मान लो ये कोण है a, उसी को ये कौन सा है, कोस थीटा, थीटा के पास वाला, और ये साइन थीटा, ए साइन थीटा की वैल्यू a/√2 कट गया, ऊपर मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर 1/√2, 45 डिग्री थीटा की वैल्यू, जिसको π/4 कह सकते हैं।
ये समीकरण आपके सामने, फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई फोर, दूसरे और चौथे ऑप्शन में पाई बाई फोर वैल्यू आ रही है, या तो दूसरा सही है या चौथा सही है। पाई बाई टू वाला तो सही हो ही नहीं सकता, गलत। फिर देखो, जबरदस्ती आप उलझे नहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन को देखें। अब ए की वैल्यू 0.1 अपॉन रूट टू, ए आयाम, और आयाम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1, तो पाई बाई फोर, ये तो 0.1 बाई रूट टू है, नहीं है, पाई बाई फोर 0.1 ही है, आयाम यही है, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को डरावना बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। टी बराबर जीरो समय पर पहले से ही ए बाई रूट टू डिस्प्लेसमेंट पर है, विस्थापन पर है, तो इसका फाई निकालो प्रारंभिक फेज पाई बाई फोर। कैसे निकाला, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। यहां से यहां तक ए बाई रूट टू है, इस वे में साइन थीटा निकाल के, अगर ये ए सदिश है तो ये ए कोस थीटा और ये ए साइन थीटा, इस तरीके से भी, और 45 डिग्री को पाई बाई फोर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम में आपको ये चित्र बनाया हुआ ही दे दिया और कह रहा है टी बराबर जीरो पर यहां पर है कण, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, यहां पर प्रारंभ में है, तो मान लो ये प्रारंभ में यहां से गति करता हुआ यहां पहुंचा। अब इस जगह पर आप एक प्रोजेक्शन डालेंगे, ये देखो, ये तो क्या हो गया आयाम, ये जो डिस्टेंस है ये किस में आ रही है, माइनस में। इस चित्र से ये समझ में आता है कि कण माध्य अवस्था से माइनस एक्स डायरेक्शन में, ये देखो, माध्य अवस्था से माइनस एक्स डायरेक्शन में, उसके लिए इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी। इस क्वेश्चन से, इस चित्र से आपको इतना ही समझना है कि टी बराबर जीरो समय पर वो किधर की तरफ, माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। फिर क्या कह रहा है, आवर्त काल कितना है, 2 सेकंड, और 3 सेंटीमीटर क्या है आयाम, ये पूरा जो रेडियस होगा ना, ये इस रेडियस को ही आयाम कहते हैं, ध्यान रखना, त्रिज्या को ही आयाम कह रहे हैं, और आयाम 3 सेंटीमीटर है। देखो देखे, ए आयाम 3 है, उसके बाद साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है, 2π/T, और टी कितना है, 2, तो 2 से 2 कट गया, ओमेगा पाई आ गया, ओमेगा की जगह पाई, ये देखो 2 से 2 कट गया, पाई और टी, तो आंसर क्या आ गया, -3 sin π t, ये आंसर हो गया। आपने ये इक्वेशन क्यों लगाई, क्योंकि कण टी बराबर जीरो समय में क्या कर रहा है, यहां था और इस दिशा में गति कर रहा है। जब कण टी बराबर जीरो में मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में गति करे, उसका आवर्त काल 2 सेकंड हो, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर हो, तो फिर क्या इक्वेशन होगी वो देखिए। इक्वेशन x बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/T, आवर्तकाल 2 सेकंड है, यहां से पाई आ गया, एम्पलीट्यूड 3 दे ही रखा है, तो यहां पर साइन पाई ये आ गया। एक और क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम, y बराबर 2cos π t + π/6, ये पूछ रहा है t की वैल्यू बताओ, टाइम पीरियड बताओ। आप कुछ नहीं जानते, लेकिन ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर,
ये ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू है। मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, पाई, और ओमेगा की वैल्यू पाई है तो आपको पता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है, ये ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू पाई कब आ सकती है, जब टी की वैल्यू 2 सेकंड हो, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ओमेगा की वैल्यू पाई कहां से पता लगी, इक्वेशन से। इक्वेशन देखी, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है, पाई। अब पाई जो है वो ओमेगा की वैल्यू है, तो पाई कब आएगा, जब टी 2 सेकंड हो, 2 सेकंड आंसर। एक और बात, वीडियो में आप इस चीज का ध्यान रखें, ये फाई है और ये पाई है। जल्दबाजी में बोलते टाइम अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो उसको आप इग्नोर करें। ये फाई है इनिशियल फेज और ये पाई है जिसको आप जानते हैं। यहां पर ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू पाई। अब पाई कब हो सकता है, जब आवर्तकाल 2 हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, इसलिए टाइम पीरियड इस क्वेश्चन में 2 सेकंड हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बताए। मीन पोजीशन से अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में कोई गति करे उसके लिए इक्वेशन ये रही, ए की वैल्यू दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखा है, ओमेगा निकाल लिया, टी से गुणा कर दिया, सॉल्व किया, बात खत्म। टी बराबर 0 समय पर यहां था, यहां से किधर गति कर रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में तो प्लस के ए साइन ओमेगा टी होता, और फाई क्या होगा, प्रारंभिक फेज 0 है क्योंकि यहां से ही शुरू कर रहा है। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट से हैं लेकिन आसान है। इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर जो बेसिक फॉर्मूला आपको 10th क्लास से पता होगा उससे हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर केवल इतने से नहीं कि मीन पोजीशन से माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रही है सीधा फॉर्मूला, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1, 2, 3, 4 वाला सही। इस वाले में इक्वेशन देखी, टाइम पीरियड पूछा है, ओमेगा की वैल्यू पाई है, कब हो सकती है, जब टी की वैल्यू क्या हो, 2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। आंसर क्या आ गया, टाइम पीरियड 2 सेकंड। यहां पर एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट 2000 न्यूटन पर मीटर है, इस पर 20 किलो का एक द्रव्यमान लटका हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। प्रारंभिक समय में इस स्प्रिंग का जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है याद रखें, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है वो अभी हम देखेंगे। इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टी, एक्स और टी के बीच आपको रिलेशन निकालना है। आप जानते हैं बराबर माइनस के एक्स होता है। अब स्प्रिंग स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे नीचे की तरफ लटकी हुई है तो बल लगेगा एम जी माइनस के एक्स। जब v बराबर 0 है इसका मतलब स्प्रिंग क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, भाई इस द्रव्यमान में कोई गति नहीं हो रही है, v0। और v0 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, एम्पलीट्यूड आयाम, और यहां से आपके पास माइनस, और यू कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, 15। जब एम्पलीट्यूड ही 10 है तो क्या रहा होगा कि 10 सेंटीमीटर ऐसे और 5 ऐसे चला गया होगा, हो गया 15। लेकिन अब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया,
टोटल 15 चला, जिसमें से 10 क्या है, एम्पलीट्यूड, और इस एम्पलीट्यूड में से या 15 में से 10 एम्पलीट्यूड घटा देंगे तो 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप देखो इक्वेशन क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना आया डिस्प्लेसमेंट, 5 सेंटीमीटर, 5। a क्या है, एम्पलीट्यूड, ये सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओमेगा याद करो, ओमेगा बराबर अंडर रूट के अपॉन एम, के कितना है 2000, एम कितना है 20, और यहां से ये कितना आ गया 100, और आंसर 10। ओमेगा की वैल्यू 10 टी, और फाई कितना है, इनिशियल जो इसका फेज है वो टी बराबर 0 पर डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, मतलब प्रारंभ में ये यहां पर था, मीन से a बाई टू डिस्टेंस पर, और a बाई टू का मतलब है याद करें थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और थीटा 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, और ये समीकरण आ गई। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, पाई बाई 6 क्यों आया, बहुत बार समझा दिया मैंने, चीजों को समझो किस तरीके से आप केवल देख के ही आंसर लिख सकते हैं। SHM में ये आपके पास इक्वेशन है, पूछ रहा है आयाम क्या है, ये आयाम ही होता है 5, ये नहीं है, ये नहीं है। पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, ओमेगा बराबर 2 पाई टी। टाइम पीरियड पूछ रहा है, ओमेगा पाई कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा 2, ये भी नहीं, ये आंसर हो गया। एंगुलर वेलोसिटी, औसत वेग ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इन वन टाइम पीरियड, एक आवर्त काल में आवर्त सरल आवर्त गति में औसत वेग कितना होगा, जब एवरेज औसत डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ये एक और कॉन्सेप्ट देखिए, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इसकी रेडियस 3 मीटर है, याद रखें जो रेडियस इस तरीके के डायग्राम में होती है वही एम्पलीट्यूड होता है। यहां से टी बराबर 0 से इधर मूव कर रहा है और आवर्त काल 4 सेकंड है। अब आपसे पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाई प्रोजेक्शन और एक्स प्रोजेक्शन। y अक्ष में अगर गति हो रही है तब क्या होगा, और x अक्ष में गति हो रही है तब क्या होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा y प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ वेक्टर, अब यहां है बताओ y का मान मैक्सिमम है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से ये किधर आ रहा है, y के मान 0 की तरफ, पॉजिटिव, और इससे ऊपर y का मान पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से 0 की तरफ आ रहा है, याद करो 0 का मतलब मीन पोजीशन की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो तब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता था x बराबर a cos थीटा, यहां पर y है इसलिए y बराबर a cos ओमेगा t। देखो y एम्पलीट्यूड कोस ओमेगा कितना होगा 2 पाई, टी कितना है 4, और ये स्मॉल टी ये 2, आंसर 3 कोस पाई बाई 2 टी। ये देख लीजिए वाई प्रोजेक्शन, अगर यही क्वेश्चन एक्स प्रोजेक्शन में होता तो यहां देखो यहां से जब गति शुरू हो रही है यहां के लिए x की वैल्यू 0, और ये इधर आ रहा है जब x क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, कहने का मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ गति हो रही है, और इसके लिए इक्वेशन है x बराबर
ए साइन ओमेगा टी, एक्स अक्ष पर है इसलिए ए कितना है 3, साइन ओमेगा कितना आ जाएगा पाई बाई 2 और टी। प्रोजेक्शन का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। कई बार मैंने एक्स प्रोजेक्शन आपको बताया है बार बार, तो ये इस जगह पर मीन पोजीशन है और यहाँ पर एक्सट्रीम है एक्स के लिए, वाई के लिए यहाँ पर एक्सट्रीम है और यहाँ पर मीन पोजीशन है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर वाई के लिए मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम का मतलब एक्सट्रीम, और यहाँ पर वाई के लिए ज़ीरो, यहाँ पर एक्स के लिए ज़ीरो और यहाँ पर एक्स के लिए मैक्सिमम होगा। इसी डायग्राम में वाई प्रोजेक्शन पूछे तो ये आंसर और एक्स प्रोजेक्शन पूछे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन, उनके डायग्राम और उनके कॉन्सेप्ट, साथ में ऑप्शन में क्या पूछा गया है, इस बात पर भी फोकस रखें।